कितनी जल्दी है? फॉरेंसिक डेलीगेट्स हैं भाभी, उनके साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सारे पेपर मुझे ही तैयार करने हैं। तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? तुम्हारे भैया हजारों लोगों को काम देते हैं, तुम्हें दूसरों के पास काम करना कैसा लगेगा? अपना ही काम करोगे तो नहीं होगा क्या? होगा होगा। एक बात बताइए भाभी, आप जब से इस घर में आई हैं, मुझे एक छोटा सा काम भी करने दिया है क्या? मैं हंसता हूँ तो आप हंसती हैं, मैं रोता हूँ तो आप रोती हैं, मैं बीमार पड़ता हूँ तो गांव के सारे लोग भगवान से मन्नत मांगते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सारा काम आप खुद कर लेती हैं। मैं भी बच्चा हूँ क्या भाभी? तुम जितने भी बड़े हो जाओ, हमारे लिए तो बच्चे ही हो ना, तुम्हारे अलावा अपना है कौन? आपके सिवा मेरा कौन है भाभी? माँ बाप भाई बहन सब आप और भैया ही तो हैं। मेम साहब, साहब घर पर नहीं है क्या? मेम साहब नहीं तो वो काम पर गए हैं, क्या हुआ? मेम साहब कल रात से मेरा पति घर पर नहीं आया। मेम साहब पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करना चाहिए था ना। पुलिस स्टेशन से ही गुम हो गए भैया। कल रात में पुलिस आके घर से लेके गए भैया, वो अब तक नहीं आए। मैंने सुबह जाकर पूछा तो पुलिस ने कहा उसको रात को ही छोड़ दिया भैया। मेम साहब कुछ कीजिए ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे आदमी को कुछ नहीं होगा, वो आएंगे। ठीक है मेम साहब। भाभी आप भी? ये राम का घर है, यहाँ पर हर किसी को न्याय मिलता है। ए साले, समझ में नहीं आता क्या? बच्चों ने तेरी दुकान में मच्छी नहीं दी तो तू उन बच्चों को मारेगा, और तूने उन बच्चों को मारकर उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन देकर, और तू यहाँ आकर सो रहा है। तो दिन में 3 बार नमक खाता है, तुझे इतना मस्ती है, जो 24 घंटे खाता है उसको कितना होगा? देख मेरी बात, तू अपने भेजे में डाल ले, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? सुन, अगर 5 मिनट के अंदर मेरे लोग बाहर नहीं आए तो इधर ला, इधर ला। इंस्पेक्टर मैं हरीश, उन्हें छोड़ दो, मैं बाद में बात करूंगा। मुझ पे भरोसा करने वालों का मैं नटराज हूँ, और दुश्मनी किया तो पता है ना तुझे, मैं यम का राजा, यम का राजा, यम का राजा। ठीक है, नोट कर लो। हरी, हरी, ये खून कैसा? भैया, भाई ने आकर मारा, राम भाई। कौन है ये रामा भाई? कौन है ये रामा भाई? कौन है ये रामा भाई? नहीं सर, उसके बारे में आपको कुछ बाकी तरह है, बहुत पावरफुल है सर। मैं आप खोलूंगा,
तो जलकर राख हो जाएगा। राख होने के लिए आप आग नहीं, वो सिगार नहीं, शेर है। शेर का शिकार करना है तो खाली बंदूक नहीं चलेगी, सर में दिमाग भी होना चाहिए। और वो मैं करूंगा, मैं सोचूंगा डैडी। ध्यान से चला। अरे जल्दी गाड़ी घुमाओ, गाड़ी निकालो, जल्दी निकालो रहीम, गाड़ी घुमाना। शिट, बच गया। इंद्रा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ नहीं हुआ भाभी। इंद्रा, तुम लोग ठीक हो ना? तुम लोग अंदर जाओ। रहीम भाई, गाड़ी निकालो। भैया कहां जा रहे हैं? उसे मारने। आज तक तो वो दूर से ही टच कर रहा था मुझे, आज सामने आके डायरेक्ट अटैक किया है। और मैं ऐसे छोड़ दूं क्या? उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ नहीं भैया, छोड़ दो उसे, प्लीज। उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरा डर खत्म। नहीं भैया, दुश्मनी करते चलेंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगी। बाप बेटा, बच्चे बूढ़े, सारे खानदान में चलती चली जाएगी। इतने दिन जो किया सो किया, मेहरबानी करके छोड़ दो भैया। वो मुझ पर अटैक करता रहा और मैं छुपकर बैठा रहा हूँ, नहीं होगा मुझसे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रहीम भाई, गाड़ी निकालो। रुकिए, मत जाइए। रुकिए रहीम भाई, क्या करना है? उन सभी को मारना है ना, लाइए। मैं जाऊंगा, कितनों को मारना है बताइए, 10 या 20? इंदिरा भाई, आप चुप रहिए, आपको क्यों ये सब? ये सब क्यों? राम जी का भाई हूं ना मैं, जाता हूं, किनारे हटिए। इंदिरा, तुम्हें नहीं पसंद है तो नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे कुछ हो जाएगा ये सोचकर डर लग रहा है ना। 15 सालों से भाभी ये सब कुछ सह रही है भैया। मुझे तो इस गांव उस गांव फौरन भेज करके दूर रखा, लेकिन भाभी एक बेदिन सुकून की नींद सो सकी है क्या? आपके घर से बाहर जाकर आने तक खाना पानी छोड़ करके हर भगवान के पास मन्नत मांगती रहती हैं। भाभी की जरूरत ये बंगला, ये रेशमी साड़ी, पैसा और ये गहने नहीं है भैया। रहीम भाई, आपके घर में एक जवान बेटी है ना, उसकी जिंदगी के बारे में आपने कुछ सोचा है? उसके लिए मैं क्यों दिमाग खराब करूं? इन सब के लिए हमारे भाई मौजूद है ना, वो सब देख लेंगे। सुना आपने, आप हैं बस इसी भरोसे पर ये सभी जी रहे हैं। आपको जैसे लोग चाहिए वैसे हमें आप चाहिए भैया। लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, कीजिए, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन हर बार ये झगड़ा, ये पंचायत लड़ाई, ये सब हमें नहीं चाहिए भैया। गुनाह करने वालों को सजा देने के लिए पुलिस है, कोर्ट है, न्याय को बचाने के लिए न्यायाधीश है। कानून को हाथ में लेने की जिम्मेदारी आपको क्यों चाहिए भैया? हाथ जोड़ता हूं, ये सब छोड़ दीजिए भैया। इसके बाद भी आपको जाना हो तो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहिए वैसा कीजिए। लेकिन एक बात, आपके घर वापस आने तक इस घर में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। मंगला, ओए मंगला, क्या है? हाँ, वो मंजूनाथ आएगा, केस के बारे में बात करनी है उससे। क्या हुआ केस का, पूछना उससे। ठीक है,
और रवि आए तो बैंक में थोड़ा काम है, मेरे साथ आने को कहो उसे।